तो दोस्तों, आज इंदु सरकार नामक हिंदी फिल्म रिलीज हुई है। अच्छी फिल्म बनी है। मधुर भंडारकर ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यह एक काल्पनिक फिल्म है, तो इसको कोई किसी पार्टी रिलेटेड फिल्म है ऐसा कोई भी सोच कर ना जाए। तो फिल्म की कहानी नसबंदी से शुरू होती है, जो एक गांव है। ये 1975 की कहानी है। हुकुमशाही यानी कि एक तानाशाही राजवट आपको इस फिल्म में दिखाई देगी। इसमें जो इंदु नामक लड़की है वो अनाथ रहती है। बाद में उसकी शादी एक सरकारी कर्मचारी से होती है। वो एक राजकीय नेता के बहुत करीब होता है। इंदु इसमें आपको हकलाते हुई नजर आएगी, मतलब वो उसकी बोलने में दिक्कत होती रहती है। वो कविताएं बनाती है। फिल्म तो मार तब खाती है कि जब इंदु उन दो बच्चों के लिए अपने पति को छोड़ देती है। वो किसी अनाथालय में फोन कर रही रहा था, तभी उसने उसका फोन काट कर वो घर से निकल जाती है। तो ये बात कुछ रास नहीं आती। हाँ, लेकिन ये भी नहीं होता तो फिल्म आगे भी नहीं बढ़ सकती थी। तो जो भी हुआ वो फिल्म के लिए हुआ। फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजते हैं ना बीच बीच में, वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत अच्छा लगेगा, फील होता है। तो सरकार ने जो है वो इमरजेंसी लगाई हुई रहती है, उसके तहत बहुत सारी तबाही होती रहती है, तो उनके खिलाफ ही ये आवाज़ उठाते हैं। इसमें नील नितिन मुकेश एक चिप की भूमिका में दिखाई दे गए, और जो अनुपम खेर है वो अहिंसात्मक हक पाने के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ट्रेलर में दिखाया गया कि 1947 वो पार्टीशन वगैरह, तो बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच के जाएंगे कि यार कुछ तो देखने को मिलेगा, तो वैसा कुछ है मिलेगा नहीं देखने को। फिर भी ये फिल्म तो देखकर आपकी निराशा नहीं होगी। ये आप लास्ट में इंदिरा गांधी जी जैसी एक झलक मिलती है। तो माँ बेटे की इस राजकीय तानाशाही का असर क्या होता है, क्या निकल कर आता है, वो जानने के लिए नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए। और आपको ये फिल्म कैसी लगी वो कमेंट कीजिए। 5 में से आप इसको कितने स्टार देंगे वो भी लिखिए। वीडियो पसंद नहीं आए तो अनलाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।